नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और उनके लिए क्या किया जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर निहारिका राजन कराज है और मैं स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में कैंसर सर्जन हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ब्रेस्ट कैंसर, गाइनी कैंसर और GI कैंसर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे कॉमन कैंसर है और कैंसर का कोई नोन कॉज नहीं होता, उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स जैसे कि नाम में ही है, कैंसर होने का रिस्क इंक्रीज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको रिस्क फैक्टर है तो आपको डेफिनेटली कैंसर होगा, या अगर आपको रिस्क फैक्टर नहीं है तो आपको कैंसर नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं पर उनको इस तरह का कैंसर नहीं होता, और बहुत सारे पेशेंट बिना रिस्क फैक्टर के भी कैंसर होता है। सो ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि फीमेल होना। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है, ये मेल्स में भी होता है, बट अगर आप फीमेल हैं तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्क इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है, ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। बाहर के देशों में 60 की उम्र के बाद इसका रिस्क ज़्यादा रहता है, बट हमारी कंट्री में 50 की एज के बाद भी इसका रिस्क ज़्यादा बताया गया है। फिर अगर हमें महावारी एक बहुत छोटी उम्र में शुरू हुई हो, या हम लोगों के पीरियड्स बहुत लेट एज में बंद हुए हों, तो भी हमारा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अगर पहला बच्चा 30 साल के बाद की उम्र में हुआ हो, तो भी हमारा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। बच्चे को अपना दूध नहीं दिया हो, तो भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अगर हम अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अगर हमारा वेट ज़्यादा है, तो भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है, पर इन सब चीज़ें जिन मैंने अभी तक आपको बताया उनसे ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कि अगर हमारी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री हो, या ब्रेस्ट और ओवरी के कैंसर की हिस्ट्री हो, अगर हमें ऑलरेडी एक साइड का ब्रेस्ट कैंसर हो चुका हो, या कुछ लीजन्स ऐसे हों ब्रेस्ट में जो कैंसर नहीं हो बट कैंसर होने का चांस इंक्रीज करते हैं, जैसे कि एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया, एटिपिकल लॉबुलर हाइपरप्लेजिया, लॉबुलर कार्सिनोमा इन सीटू। अगर हमारी छाती पे रेडिएशन लगा है तो, अगर हमारे ब्रेस्ट ज़्यादा डेंस हैं तो, और अगर हमें किसी प्रकार की फैमिली में ब्रैका पॉजिटिविटी की हिस्ट्री है, ब्रैका कुछ जीन्स होते हैं, और अगर हमारी फैमिली में वो पॉजिटिव हैं, तो हो सकता है वो हमारे अंदर भी जीन्स पास हुए हों और हमारा रिस्क बढ़ सकता है। तो मैंने आपको इतने सारे रिस्क फैक्टर्स बताए ब्रेस्ट कैंसर के लिए, अभी इसमें क्या करें? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि फीमेल होना हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, एजिंग हम स्टॉप नहीं कर सकते, अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है तो हम स्टॉप नहीं कर सकते। क्या हम स्टॉप कर सकते हैं? वेट कंट्रोल में रखना, अल्कोहल इत्यादि का सेवन नहीं करना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, ये सब करने की हम कोशिश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमें ब्रेस्ट में कभी भी कोई गांठ महसूस हो रही हो, तो ज़रूर उसको जाकर दिखाएं। हो सकता है वो कुछ ना भी हो, बट हमेशा कंफर्म कर लेना बेहतर रहता है। और इंडिया में तो स्क्रीनिंग इतना प्रेविलेंट नहीं है, पर बाहर के देशों में स्क्रीनिंग बहुत कॉमन है। तो 40 से 45 साल की उम्र के बाद रूटीन स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराना भी ज़रूरी हो जाता है। इससे होता है क्या कि अगर ट्यूमर जो है बहुत छोटी अर्ली स्टेज में हो, तो वो भी जल्द से पकड़ में आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप जिनको नहीं चेंज कर सकते। इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें आपका रिस्क इंक्रीज कर रही हैं, और अगर इंक्रीज रिस्क है तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलिए और उनसे डिस्कस कीजिए कि आप
किस तरह इस रिस्क को कम कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कोई भी कमेंट है तो नीचे ड्रॉप बॉक्स में डालिए। धन्यवाद।